मजदूरों के लिए मनरेगा वरदान है, लेकिन इस योजना पर बिचौलिए इस कदर हावी हैं कि कई योजनाओं में काम पूरा होने से पहले ही पैसा निकाल लिया जाता है। ऐसा ही मामला गिरिडीह जिले में सामने आया है, जहां गार्ड वॉल बनाने से पहले ही सामग्री के नाम पर पैसे निकाल लिए गए। देखिए रिपोर्ट। गार्ड वॉल बना नहीं, मटेरियल का हो गया भुगतान। मामला करह बारी पंचायत का, अभी भी चल रहा है काम। सामग्री मद की राशि का फरवरी में ही हो गया भुगतान। सिंधवरिया पंचायत में भी काम पूर्ण होने से पहले भुगतान। सोशल ऑडिट यूनिट ने कहा गलत है भुगतान। कोरोना काल में मजदूरों, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा को वरदान बताया गया, लेकिन इस योजना में भारी गड़बड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक ताजा मामला गिरिडीह के सदर प्रखंड की करहबारी पंचायत से आया है, जहां गार्डवाल बनने से पहले सामग्री मद की राशि निकाल ली गई। पंचायत के धोबीडी में अभी काम चल ही रहा है, लेकिन मटेरियल का लगभग पूरा भुगतान फरवरी में ही वेंडरों को कर दिया गया। पेमेंट जो है वो फरवरी में ही निकल गया है, तो क्या बिना काम किए काम का इंस्पेक्शन करने को आया था? गार्डवाल बन गया तो देखिए, वेंडर मेट के द्वारा पेमेंट होता है, पैसा काम हो गया, पैसा दे दिया। अच्छा, काम होगा तो वेंडर ही देगा जी? नापी भी वेंडर करता है क्या? ना, वेंडर नहीं, इंजीनियर करता है। इंजीनियर करता है जी। तो बिना एमबी बुक हुए पैसा मिल जाता है क्या? नहीं, काम हो गया तो एमबी बुक हो गया। इस तरह से पूरा पंचायत कमरा जितना भी है, मैंने गिरिडीह ब्लॉक में या तो गिरिडीह जिला की बात है, मटेरियल भुगतान हर जगह में पहले हो गया, एडवांस में। और उसके बाद मजदूर काम करते जाता है, खुदाई कंप्लीट हो जाने के बाद जब बांधता है तो उस समय हम लोग पैसा उनको देते हैं काम। अच्छा, ये मटेरियल एडवांस के लिए कोई प्रावधान बैठक उठक बैठक है? नहीं, बैठक उठक नहीं हुई। जिला भुगतान मामले में सोशल ऑडिट यूनिट के डीआरपी बैजनाथ प्रसाद वर्मा और रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि काम शुरू होने से पहले मटेरियल का भुगतान वेंडर को करना सरासर गलत है। इस मामले में जेएमएम के नेता भी एतराज जताते हैं। वेंडर एस्टिमेट के अनुसार से आपका कार्यस्थल पर सामग्री उपलब्ध करेंगे और वो लाभुक को या फिर मेट को जिम्मा देंगे। उसके बाद वो बिल देंगे, बिल के अनुसार से उसका सामान मिलान होगा, फिर एमबी होगा जेई के माध्यम से, उसके बाद ही भुगतान के लिए अगर सारित करने का प्रावधान है। क्या एक्ट के आधार पर काम के दौरान ही भुगतान करने का प्रावधान है? पहले भुगतान करने का कोई व्यवस्था नहीं समाहित है, तो काम के दौरान ही भुगतान होना चाहिए, इसका प्रावधान वही है। काम के पहले किसी तरह का भुगतान होने की कोई संभावना मनरेगा एक्ट में समाहित नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि बिना कार्य पूरा हुए, बिना कार्य की मापी किए और बिना एमबी बुक किए आखिर मटेरियल का भुगतान किन सूरतों में हुआ? मनरेगा की इस योजना में अब बाबुओं की गांधीगरी देखिए कि काम खत्म होने के पूर्व ही जो है मटेरियल की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। काम अगर खत्म भी हुआ है तो या कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले हुआ है, लेकिन जो राशि भुगतान हुई है उसमें और काम के पूरे होने में काफ़ी डिफरेंस है। अब यह पूरा मामला जांच का विषय है, जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या जांच होती है और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से।